और एक बड़ी खबर यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है दिल्ली में। बड़ी खबर है ये, बिहार के मंत्री के बयान पर बवाल और अब दिल्ली में शिकायत दर्ज। रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने शिकायत की है। खबर यह भी कि अयोध्या के संतों ने अयोध्या में भी तहरीर दी है। दो बड़ी खबरें हैं, अयोध्या के संतों ने बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई अयोध्या में, दिल्ली में भी शिकायत। बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर जबरदस्त बवाल, उनके बयान को लेकर रामचरितमानस पर, और अब मामला आगे बढ़ता हुआ क्योंकि दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज हो गई है दिल्ली पुलिस में। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने यह शिकायत की है दिल्ली में, और उधर अयोध्या के संतों ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ दर्ज करा दी है शिकायत। अयोध्या के साधुओं ने कोतवाली पहुंचकर बिहार के शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। कार्रवाई होगी नहीं होगी, एक बार और जिस बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है वो बयान एक बार सुन लीजिए। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ हैं। आचार्य जी, ये मतलब वोट के लिए होता है ये सब कुछ? वोट मिल जाता है क्या? वोट के लिए हिंदू मानस पर चोट बार बार, सीरियल अपमान, वोट मिल जाता है क्या आचार्य जी इससे, एक वर्ग विशेष का? आचार्य जी देखिए, अमन चोपड़ा जी, जो बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान है, ये होते कौन है रामचरितमानस का विश्लेषण करने वाले कि रामचरितमानस में क्या लिखा है? रामचरितमानस भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण है, और भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण रामचरितमानस, उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदुओं की आस्था के ऊपर चोट करना, ये नेताओं का एक फैशन सा बन गया, आजकल शौक बन गया है। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शिक्षा मंत्री का बहुत ही बेतुका, बेहुदा, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बयान है, और 24 घंटे के अंदर इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए, इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना 24 घंटे के बाद मैं तमाम देश के तमाम भगवान श्री राम के तमाम करोड़ों अनुयायियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, तमाम देश के संत महात्माओं से अपील करना चाहता हूँ कि इस आदमी के खिलाफ हर जगह FIR दर्ज हो। भगवान राम के चरित्र के चित्रण के लिए श्री रामचरित मानस को नफरत का ग्रंथ बताना, यह हमारी आस्था के ऊपर ठेस है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आचार्य जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रामचरित अमन मुझे